फ्रेंड कैसा हो अगर पाकिस्तान में बांग्लादेशी फ्रूट मिले एक रुपये एक टका किलो, दो टका किलो, तीन टका किलो, इसलिए कि ये बांग्लादेशी है ना तो टका में है, इस वजह से ये सस्ते हैं। ये भी और ये किस तरह किलो है? वो दो टका किलो यार, वो तो आपने बड़े सस्ते लगाए हुए हैं यार। बस देख लें ये बांग्लादेशी फ्रूट है ना इसलिए इतने सस्ते हैं यार। एक किलो ये कर देना, दो किलो वो कर देना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा नाम सुमैन है और आप देख रहे हैं सुमैन रिएक्शन। सो गाइस आज हम देखने वाले बड़े मजे की वीडियो है। सो इट्स बेसिकली सोशल एक्सपेरिमेंट है जिसमें ना फ्रूट्स सेल किया जा रहा है एक टका का, दो टका का। सो लेट्स सी कि पाकिस्तानी का क्या रिएक्शन है। सो पाकिस्तान की फ्रूट मार्केट में है ये बंदा और एक शॉप में है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सेल करना है फ्रूट वन टका टू टका पर केजी और देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है, लाइक सरप्राइज होते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो मुझे बड़े मजे की लग रही है। तो आप लोगों ने भी वीडियो देखनी है मेरे साथ पूरी की पूरी, क्या कहते हैं, स्किप नहीं करनी, ठीक है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्राइम में पहले कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, आपको सारी मजे मजे की अपडेट्स मेरे चैनल पे मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड रहने के लिए लाजमी आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक करना है, ठीक है। सो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। फ्रेंड कैसा हो अगर पाकिस्तान में बांग्लादेशी फ्रूट मिले एक रुपए एक टका किलो, दो टका किलो, तीन टका किलो, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं इस दुकान में आया हूँ, मैं इनसे बात करूंगा कि हम लोग यहाँ पे एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या हम लोग ये प्राइस इनकी शॉप पे लिख के लगा सकते हैं और ये बांग्लादेशी फ्लैग के लोगों ये शो कराएं कि यहाँ पर बांग्लादेशी फ्रूट मिलता है? अच्छा फ्रेंड अब मैं इनके पास चलता हूँ, इनसे पहले इजाजत देते हैं कि हम वीडियो शूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी एक वीडियो बनानी है हमने बांग्लादेश पे, लोगों के रिएक्शन चेक करने हैं कि अगर उनको पाकिस्तान में बांग्लादेशी फ्रूट मिले एक टका दो टका किलो तो उनका कैसा रिएक्शन होगा। तो हम आपसे कोई 15-20 मिनट के लिए वीडियो बना सकते हैं, इजाज़त ले सकते हैं आपकी? हाँ मैं बनाता, हाँ हाँ आप काम करें, इन्होंने इजाज़त दे दी है तो हम ये काम करते हैं। अच्छा फ्रेंड अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तरफ बांग्लादेशी टका में प्राइस लिखी हुई है और इस तरफ 1000 रुपये, मतलब कि 1000 कीमत लिखी हुई है, यानी कि पहले हम देखते हैं कि लोग महंगे दामों फ्रूट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी कम प्राइस लगाएंगे। तो आओ सबसे पहले इनकी प्राइस हम लगाते हैं। तो ये अंगूर है, फर्ज किया हम इनकी प्राइस रख लेते हैं ये 1000। अंकल ये अंगूर किस तरह पे किलो है? 700 रुपये किलो अंगूर है, 250 रुपये किलो अंगूर है, यानी कि 250 किलो अंगूर है। बहुत महंगा है ये अंगूर। और ये जापानी फल की प्राइस हमने ये लगा दी है, ये मीठे हैं इसकी प्राइस हमने ये लगा दी है 600, ये वाली ठीक हो गया। वो बनाना है, बनाना उसको हम लोग उसकी प्राइस हम ये लगा लेते हैं 3000। प्राइस हम लोग ये लगा लेते हैं चलो जी। और ये चूँकि हम लोग बांग्लादेशी फ्रूट बेच रहे हैं और तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लगा लेते हैं बांग्लादेशी फ्रूट। ये बांग्लादेश का झंडा भी लाजमी लगाना पड़ेगा, एक बांग्लादेशी झंडा ये। और एक बांग्लादेशी झंडा ये। चले अब हम कस्टमर का इंतजार करते हैं और वेट करते हैं। तो फ्रेंड यार काफ़ी देर हो गई है तो अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। जी भाई वालेकुम सलाम। अंगूर किस तरह है यार? ये बांग्लादेशी अंगूर है, ये 1000 रुपये किलो है। जापानी फल? हाँ वो भी 1000 रुपये किलो है, बांग्लादेशी है ना स्पेशल है। बहुत ज़्यादा महंगे हैं, महंगे महंगे दूर से जो आए हैं इसलिए महंगे हैं। तो अब आप देख लो, आप लोगे? आया तो लेने ही हो। तो बांग्लादेशी मिल रहे हैं ना यहाँ पे, तो अगर आपने लेने हैं तो फिर यही रेट है। केला किस तरह है? केला 3000 रुपये दर्जन। 3000
3000 रुपए दर्जन। हाँ तो 3000 रुपए बांग्लादेशी। अभी तो 20 रुपए 30 रुपए रुल रहे हैं। तो वो 20 रुपए 30 रुपए पाकिस्तानी है ना, वो बांग्लादेशी है। उसपे लिखा हुआ है क्या बांग्लादेशी है? स्पेशल है, स्पेशल बांग्लादेशी स्पेशल है यार। खेल अभी ऐसे ही खेल रहे हैं। सेब ले लो, वो भी 3000 रुपए किलो है। 2000-3000 से कम कुछ है ही नहीं। बस देख लो स्पेशल चीजें हैं, मीठे ले लो 2000 रुपए किलो। नहीं भाई ये अपने बस की बात नहीं है। नहीं लेने आऊंगा काफी देर हो गई है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लगता है सारे रेट देख के जा रहे हैं, कितनी महंगी चीजें मिल रही हैं। अब नेक्स्ट कस्टमर का इंतजार करते हैं, देखते हैं कितने की मिलती है। चलो मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, हम अब वीडियो में थोड़ा ट्विस्ट लेकर आते हैं। इनकी प्राइस जोन सी है ना, वो अब हम 2 रुपए टका कर देते हैं। अब देखते हैं कि कितने कस्टमर आते हैं, तो इसकी प्राइस भी हम 2 टका कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम 1 टका का कर लेते हैं। देखिए साथ ही कस्टमर आना शुरू हो गए हैं, लोग प्राइस देख के अब आना शुरू हो गए हैं, और इसको भी हम 1 टका कर लेते हैं। इसी तरह इसको भी हम कर देते हैं। देखो वो भी पूछते हैं, दूर से पूछना शुरू हो गए हैं, प्राइस पूछना शुरू हो गए हैं दूर से ही। यार ये किससे किना यार? ये 1 टका है, 1 टका किलो। यार ये किलो इतने सस्ते क्यों हैं यार? इतने सस्ते इसलिए कि ये बांग्लादेशी है ना, तो टका में है, इस वजह से सस्ते हैं। ये भी, और ये किस तरह किलो है? वो 2 टका किलो। यार वो तो आपने बड़े सस्ते लगाए हुए हैं यार। बस देख लें ये बांग्लादेशी फ्रूट है ना, इसलिए इतने सस्ते हैं। यार 1 किलो ये कर देना 2 किलो वो कर देना। ठीक है मैं 1 किलो ये कर देता हूँ। आपके पास बांग्लादेशी करेंसी है ना? जी हाँ मेरे पास है बांग्लादेशी करेंसी। टका नहीं, वो मेरे पास नहीं है। तो देखे ना ये बांग्लादेशी करेंसी भी आपको मिलेंगे अगर 1 किलो चाहिए। वो तो मेरे पास नहीं ना, फिर आप देख ले टका लिखा हुआ है ना, तो बांग्लादेशी करेंसी देनी पड़ेगी। 1 टका आपको किलो मिल जाएगा, लेकिन आपको बांग्लादेशी करेंसी देनी। मेरे पास तो नहीं है यार। तो बस फिर आप वो देख ले, मैंने तो टका में देना है यार। आप पाकिस्तान में टका क्यों? अभी वो पाकिस्तानी करेंसी है यार उसमें। पाकिस्तान में करेंसी मैं नहीं ना, क्योंकि है बांग्लादेशी फ्रूट ही है, तो इसलिए मैं वो टका में दे रहा हूँ ना। चले रहने दे यार, मैं कहीं और से ले रहा हूं। चले कोई बात नहीं आप, थैंक यू जी। वालेकुम सलाम जी सर। ये है अंगूर, अंगूर 1 टका, 1 टका किलो। किलो जी जी 1 टका किलो। टके तो यार बहुत पुराने चलते थे कहीं, वो तो टके तो अब नहीं चलते। टका क्या? नहीं ये बांग्लादेशी करेंसी है ना अभी, तो 1 टका। पाकिस्तान में हूँ लेकिन वो बांग्लादेशी फ्रूट है ना सारा, तो इसलिए वो मैं बांग्लादेशी करेंसी में बेच रहा हूँ। केला किस तरह लगा? केला ये है 2 टका दर्जन। अनार? अनार 3 टका दर्जन जी। तो ये 2 किलो ये कर दें। अच्छा अच्छा, इसका कितने पैसे बने? पाकिस्तानी में कितने दूंगा आपको? पाकिस्तानी पाकिस्तानी आपको नहीं, आपको बांग्लादेशी करेंसी देनी पड़ेगी। इतने सस्ते मिल रहे हैं तो आपको बांग्लादेशी देनी पड़ेगी। लाऊंगा कहाँ से मैं? तो मैं आप देखे ना, इतनी सस्ती भी तो मैं चीज दे रहा हूँ आपको। चलो 2-2 किलो कर दें फिर, अल्लाह माला के जो होगा। तो आप देना पैसे 2-2 किलो। छह टका देना, तो पहले मेरी डिमांड तो पूरी करें। मैं तो दे दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। टके बड़े हुए तो आप दे दे फिर। नहीं पैसे पहले माल खोला जाता है, बाद में पैसे दिए जाते। नहीं ना, वो पता क्या बात है, वो आप हमें इतबार नहीं है ना कि आपके पास टका है कि नहीं है। क्यों नहीं पता है? मेरे पास है, आप तोलो सही बस। आप तोलो नहीं, मैं लिखा हुआ है टका में, तो आप तोलो 2 टके, 2 किलो ये करो और 2 दर्जन केला करो और 2 किलो अनार कर दो। आप पहले आप पैसे दे दे, मैं तोल लेता हूँ। यार कैसी बात है, आप नहीं एतवार की बात नहीं है ना, आप वो करेंसी दे देना। आप समझ लिया आपकी जेब में आगे टके आपके पास नहीं है ना टका? चले वो वैसे हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सामने कैमरा है तो हम चेक कर रहे तो वो आप हाथ ला दे। चले ठीक है, ये थी वीडियो और सोशल एक्सपेरिमेंट, काफी मजा आया देखने का। एक पहले तो लोग जो है
बहुत ज्यादा प्राइस क्योंकि उसने लगा दी थी तो कोई लेने नहीं था आ रहा। फिर जब 1%, 2% का बोला तो फिर काफी लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, ओ यार इतना सस्ता है, लेकिन उनके पास क्योंकि करेंसी नहीं थी तो वो बाय नहीं कर सकते थे। तो ऐसा लगा, मजा आया देखने का। सो आई विश के इस टाइप का भी सीन हो के जो बांग्लादेश के फ्रूट्स हैं पाकिस्तान आया करें। एंड बांग्लादेश के फ्रूट्स बड़े अच्छे होते हैं, प्रीमियर क्वालिटी एंड अमेजिंग, काफी मजे मजे के बड़े बड़े से वो प्यारा जो होते हैं, अमरूद जो होते हैं, पाकिस्तान में अमरूद कहते हैं, बांग्लादेश में प्यारा, सो आई लव अमरूद, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कसम से। सो आई विश के इस टाइप की इम्पोर्ट्स हों, और पाकिस्तान वैसे भी इम्पोर्ट्स में बहुत आगे है, तो बांग्लादेश की इम्पोर्ट्स तो लाजमी हम लोग इधर चीजें मंगवाएंगे, और स्पेशली बांग्लादेश के स्नैक्स, आई लव बांग्लादेश स्नैक्स। सो काफी मजे की वीडियो थी, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों ने लाजमी बताना। और वो जो मौलवी था ना, बहुत होशियार था कसम, तो बहुत चला क्या था, पहले चीज तो लो ना, फिर बाद में आपको पैसे देंगे, ठीक है, बड़ा होशियार था। तो लाजमी बताना आप लोगों ने कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के, और वीडियो को मेरी थम्स अप देने हैं, ठीक है, लाजमी लाइक करना है, और वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके और पर क्लिक कर दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन लाजमी मिले। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो जल्दी से जाएं मुझे वहां पर फॉलो करें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।